and I will crack the Matrix. Nothing is stopping me from becoming Batman. People said they don't like it, and I said, well, what color is your Bugatti? $35,000 watch, cash. $5,000 shirt, cash. Cash! हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और एंड्रू टेट को आज कौन नहीं जानता। वो आज एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी बन चुका है अपने इंटेलेक्चुअल कंट्रोवर्शियल और आउटराइट बोल्ड दुनिया के सीक्रेट्स खोलने वाले बयानों के लिए, अपने अल्ट्रा रिच लग्जूरियस और अनरियल लाइफस्टाइल के लिए भी। What the government wants is slaves. You're all losers. We've discussed this before. I'm the king of the world. You slaves can't tell me shit because I'm rich. You slaves, you peons, get your shit together or you're बेसिकली एंड्रू टेट ने इस सच्चाई से पर्दाफाश किया है कि दुनिया का हर इंसान कंट्रोल हो रहा है समथिंग कॉल्ड मैट्रिक्स से, जो कि पावरफुल लोगों, एंटरप्रेन्योर्स और पॉलिटिशियंस का एक संगठन है, एक एसोसिएशन है। ये एसोसिएशन आपके और मेरे जैसे कॉमन लोगों को गुलाम बनाकर हमें दुनिया के फेक नैरेटिव से गुमराह करके खुद अनलिमिटेड वेल्थ, फ्रीडम और वुमेन एटसेट्रा को एंजॉय कर रहे हैं। अब आप लोगों को याद होगा मेरे चैनल के नेम चेंज वाले वीडियो में मैंने सिस्टम्स के बारे में बताया था कि कैसे सिस्टम्स आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और आपसे आपकी आजादी, जिज्ञासा, क्रिएटिविटी और रैशनल थिंकिंग छीन रहे हैं। बहुत से लोगों का ये सवाल था कि जैसे आप कह रहे हो कि दुनिया में सिस्टम्स बनाए गए हमें, हम ह्यूमंस को कंट्रोल करने के लिए, तो क्या एंड्रू टेट जिस मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहा है, जो लोगों को गुलाम बनाए रखना चाहता है, क्या ये मैट्रिक्स वाकई में रियल है? क्या ये वाकई में एग्जिस्ट करता है? और क्या एंड्रू वाकई में हमें इस मैट्रिक्स से बाहर निकालना चाहता है? वेल, मैंने इस चीज की बहुत ही डिटेल में एनालिसिस की और मुझे तो साफ साफ दिख रहा है, पता नहीं बहुत सारे लोगों को सच्चाई क्यों नहीं दिखाई दे रही। बट क्या अगर मैं ये कहूं कि सच्चाई ये है कि एंड्रू मैट्रिक्स से बाहर नहीं बल्कि मैट्रिक्स के अंदर ढकेल रहा है, तो विल यू बिलीव दिस? और क्या अगर आपको समझ में आ जाए कि एंड्रू टेट की लग्जूरियस लाइफ के खर्चे उसकी जेब से नहीं बल्कि आपकी जेब से निकल रहे हैं, तो क्या आप इसे भी बिलीव करोगे? वेल, बहुत से लोग इसकी पूरी सच्चाई जानना चाहते हैं, एंड एज यू नो मैं दुनिया में रैशनल और क्रिटिकल थिंकिंग फैलाना चाहता हूं कि चीजों पर बस ऐसे ही आंखें बंद करके विश्वास मत करो बल्कि उसके जड़ तक जाने की कोशिश करो और इस प्रोसेस में बहुत कुछ नया सीखो। और इसीलिए मैंने चैनल के कम्युनिटी सेक्शन पर एक पोस्ट किया था जिसे मुझे पता चला कि एक हाईली रिक्वेस्टेड टॉपिक। सो चलिए जानते हैं दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल इंसान की पूरी सच्चाई। So, Andrew Tate एक kickboxing champion है जिसका net worth according to Google $355 million है। ये एक successful content creator है और entrepreneur है जिसके पास 33 high-end गाड़ियां, ढेर सारी लड़कियां, जो by the way समय समय पर update भी होती रहती है, और एक ऐसी lifestyle है जिसकी हम तो बस सपने ही देख सकते हैं। यानि to sum it up, वो एक ऐसा super successful इंसान है जिसकी तरह आज हर कोई बनना चाहता है। अब पहली नजर में अगर आप एंड्रू को देखोगे तो बहुत ही cool बंदा है, झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद आया ये बंदा और इसकी लाइफस्टाइल तो मुझे बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगी, बिल्कुल हमारे डैन भैया की तरह। अब इनके बारे में कौन नहीं जानता, इग्नाइट इंटरनेशनल्स का ओनर और एक पोकर स्पेशलिस्ट जिसने कहने के लिए तो $300 million की नेटवर्थ अपने पोकर करियर से बनाई। How did you make your money then? Playing poker. वो अलग बात है कि जब उसकी सच्चाई सामने आई तब ये पता चला कि उसकी पूरी लाइफस्टाइल और मॉडल्स के खर्चे रेंट पर उसके कंपनी के एक्सपेंसेस से जाते थे, एक इमेज क्रिएट करने के ऑब्जेक्टिव से, और एज सच उसकी खुद की कोई नेटवर्थ नहीं थी। इनफैक्ट आखिर में उसकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई और डैन के सारे बुने हुए छूट सामने आ गए। बेसिकली सामने आया कि डैन की पूरी लाइफस्टाइल रेंट पर थी और उस रेंट को भर रहे थे आपके और मेरे जैसे लोग उसके प्रोडक्ट्स खरीद कर, और सच्चाई बाहर आने पर वैसे भी उसकी कंपनी डूब गई। अब एंड्रू भैया भी कहीं ना कहीं ऐसा तो कुछ नहीं कर रहे। आखिर डैन बिल्जेरियन का आखिरी इंस्टा पोस्ट भी इन्हीं के साथ था, कहीं गुरु चेले वाला हिसाब तो नहीं है? Well, हो भी सकता है और नहीं भी। I mean, Andrew Tate की इमेज को देखकर कुछ ज्यादा ही too good to be true वाली फीलिंग नहीं आती। मानो जैसे ये बंदा exactly जानता है हमारी जिंदगी में क्या क्या नहीं है और उसी दुखती नसों में अपनी उंगली रख रहा है। अब थोड़ा यहाँ पर ध्यान से सुनना, ये सब करके उसकी काफी aspirational इमेज क्रिएट हो रही है जिसे देखकर आपके और मेरे जैसे जवान लॉन्डो का जी मचलने लग जा, ये सोचकर कि भाई इस बंदे के हाथ कुछ ना कुछ तो सीक्रेट लग गया है, क्यों इसकी जिंदगी इतनी रंगीन है और हम यहाँ पर बोरिंग सी जिंदगियां जी रहे। तो यहाँ पर कीवर्ड है फ्रेंड्स, एस्पिरेशनल इमेज। अब एस्पिरेशनल इमेज ना बनता है चार मेजर फैक्टर्स, और इसे बिल्कुल याद रखना, हम इसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। पर उससे पहले जानते हैं कि एंड्रू टेट ने रिपोर्टेडली ये लाइफस्टाइल आखिर कैसे बनाई।
और टेट खुद को मैट्रिक्स से बाहर कैसे निकाल पाया। ये कुछ 6 से 7 साल पहले की बात है जब वो कंगाल यानी कि ब्रोक था, पर उसके बावजूद भी वो गर्लफ्रेंड से घिरा हुआ रहता था उसके अल्फा मेल क्वालिटीज की वजह से ऑफ कोर्स। और अपने इस हुनर पर गौर फरमाते हुए एक दिन उसे एक यूनिक ऑनलाइन कैम बिजनेस का आइडिया आया। उसकी लैंग्वेज में कहूं तो उसे मैट्रिक्स से बाहर निकलने का रास्ता मिल चुका था। उसने तुरंत अपने 5 गर्लफ्रेंड्स को मैसेज किया। आई नो वो कंगाल था, बट उसके बावजूद भी उसकी 5 गर्लफ्रेंड्स थी जो उसके मैसेज मिलते ही घर पहुंची, और इंटरेस्टिंगली वो 5 एक दूसरे के बारे में जानती तक नहीं थी। बट बीइंग एंड्रू उसने सभी को साथ रहकर अपने लिए काम करने के लिए मना दिया बिकॉज ऑफ हिज कन्विंसिंग एबिलिटी। बस फिर क्या था, देखते ही देखते उसकी 5 लड़कियों वाला वेबकैम अपार्टमेंट स्टार्टअप एक फुल फ्लेज्ड पिंपिंग बिजनेस में तब्दील हो गया, जो उसे हर महीने के $600,000 यानी कि 5 करोड़ रुपए कमा के देने लग गया। बेसिकली बिजनेस ये था कि एंड्रू लड़कियों के प्रोफाइल्स बनाकर उनकी मार्केटिंग करता था और फिर ओनली फैंस जैसी वेबसाइट्स में इन लड़कियों के न्यूड शोज करवाता था, जिन्हें एज एंड्रू सेज लूजर्स यानी कि एंड्रू के कस्टमर्स देखते थे और फिर जिसके पैसे एंड्रू और गर्ल्स आपस में शेयर कर लेते थे। अब एंड्रू टेट ने जिस रास्ते से पैसे कमाए वो हर किसी के लिए रेप्लिकेट करना बहुत मुश्किल है, बट इंडीड इस जॉब प्लेटफॉर्म के हिसाब से जो हाईएस्ट पेइंग जॉब है वो आज के तारीख में है डेटा साइंस और कोडिंग। और अगर आपको कोई जॉब नहीं भी करना हो तो भी आप कोडिंग और डेटा साइंस को इस्तेमाल करके एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा कर सकते हो। बस सिर्फ इसके लिए आपको कोडिंग इन्वेडर्स इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करना है। कोडिंग इन्वेडर्स इंडिया का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको आईटी में करियर बनाने को क्विक स्टार्ट देता है विद हाई पेइंग जॉब ऑफर्स एज अ डेटा एनालिस्ट, वो भी सिर्फ 6 से 6.5 महीने के अंदर। और अगर आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से भी हो तो भी कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि आपको ट्रेन करने के लिए प्रोफेशनल्स यहां पर मौजूद है फ्रॉम कंपनीज लाइक इंफोसिस, ZTV, डेलॉयट, जो आपको आईटी फील्ड में सक्सेसफुल करियर बनाने में हेल्प करेंगे। प्लस इस कोर्स में आपको हर हफ्ते 30 से भी ज्यादा बिजनेस केस स्टडीज, 1500 से भी ज्यादा असाइनमेंट्स और 2 लाइव सेशंस मिलेंगे। यही नहीं, इस कोर्स के दौरान आपको SQL और Python भी सिखाया जाएगा, और कोडिंग इन्वेडर्स के 100% प्लेसमेंट गारंटी के साथ आप भी इन्हीं की तरह जीरो से हीरो बन सकते हो। इन्होंने अब तक 300 प्लस हायरिंग पार्टनर्स के थ्रू 20,000 प्लस कैंडिडेट्स को 15 लाख पर एनम के पैकेजेस वाली जॉब दिलाई है। आप कूपन कोड यूज कर सकते हो मेरा GET27, आपको 27% डिस्काउंट मिलेगा डेटा एनालिटिक्स के कोर्स पर, जिसकी मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड है। क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन फॉर जॉब गारंटी बैच। एंड नाउ लेट्स जंप बैक टू द टॉपिक कि एंड्रू टेट ने एग्जैक्टली कैसे अपना बिजनेस खड़ा किया। अब अगर गलती से भी आपको ये बिजनेस इंटरेस्टिंग लग रहा है तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि इंडिया में ये इलीगल है, और दूसरी बात इसमें लड़कियों को इमोशनली मैनिपुलेट करना होगा, जिसे एंड्रू की बुक में बड़े ही डिटेल में उसने एक्सप्लेन किया है। लड़कियों को पिंपिंग बिजनेस के लिए ब्रेन वॉश कैसे करने का, लड़कियों को अपने आप पे इमोशनली डिपेंडेंट कैसे बनाने का, और लड़कियों को सही डायरेक्शन देकर उन पर उपकार कैसे करने का, क्योंकि वो तो खुद सोचने के काबिल ही नहीं होती। कैसे उन्हें पैसों का लालच दिखाकर उनके इमोशंस के साथ खेलकर उन्हें अपने आप पर डिपेंडेंट बनाना होगा और उन्हें ब्रेन वॉश करना होगा, ये सब कुछ बोलकर कि तुम्हें तो लड़कों से बात करने के भी पैसे लेने चाहिए ताकि वो किसी दूसरे लड़के के पास न चली जाए और अपना बिजनेस आप बचा सको, मतलब इन शॉर्ट उन्हें मैनिपुलेट करके डिस्ट्रॉय कर दो, क्या फर्क पड़ता है, पैसे तो आ रहे हैं। अब इस बिजनेस ने दुनिया में कितना वैल्यू ऐड किया वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन एंड्रू ने रिपोर्टेडली इतने पैसे कमा लिए थे कि 2-3 सालों के अंदर ही उसने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 33 सुपर कार्स खरीदी। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग की पॉइंट ये है कि जो भी लड़कियां आप एंड्रू के वीडियोस में देखते हो वो एंड्रू के साथ उसके हाइपर अल्फा मैस्कुलिन माचो मेल पर्सनालिटी या उसके डेटिंग या विमेन साइकोलॉजी के स्किल्स की वजह से नहीं है, बल्कि मॉनेटरी एक्सचेंज की वजह से। Just clearing this out, क्योंकि कुछ लोग Andrew's opinion on women and dating को बहुत ही seriously ले लें। You say a lot of stuff about women like that they're your property. But I said that if a woman is going out with a man, she belongs to that man. That's his woman. So if she wants to do OnlyFans, she owes him some money because she's his. So, अब तक हमने Andrew Tate के aspirational lifestyle के 2 component की बात कर ली, लड़कियां और गाड़ियां। सब्सिक्वेंटली पैसे आने के साथ एंड्रू की लाइफस्टाइल भी बहुत अपग्रेड हो गई, महंगी जगहें जाना, महंगी पार्टीज, लग्जरीज, एंड्रू ने अपने आप को इन सभी चीजों से सराउंड कर दिया। सो अब तक एक एस्पिरेशनल इमेज के 4 में से 3 स्लॉट्स भर चुके थे, लेकिन अब भी एक चीज की कमी थी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। वो चीज क्या है? वेल, उस चीज के बारे में बहुत ही जल्द रिवील करूंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल, एक बहुत ही सिली मगर पावरफुल सवाल। एंड्रू अपनी लग्जरीज एंजॉय कर रहा है,
मगर हर जगह पर जहां पर भी वो जाता है, जो भी एक्टिविटीज करता है, जो भी चीजें वो बोलता है, पॉडकास्ट, वर्कआउट, इवन अपनी कार ड्राइव करते वक्त, और यहां तक कि जेल जाने से पहले और जेल से निकलने के बाद तुरंत, हमेशा उसके साथ एक ना एक सिनेमेटोग्राफर रेडी होता है सब कुछ रिकॉर्ड करने के। आई मीन एक लग्जूरियस लाइफ जीना यहां पर मेन मकसद है, या फिर दिखाना? और अगर दिखाना तो आखिर क्यों? Which brings us to the main question, कि वो आखिरी element क्या है एक aspirational image create करने का? And well, here it comes, it is story. Donald Miller एक marketing genius है, जो एक reputed marketing company चलाते हैं, जो बड़े-बड़े companies को marketing solutions provide करते हैं और brands बनाने में help करते हैं। उनके best-selling book How to Build a Story Brand में उन्होंने एक important secret बताया। उन्होंने ये reveal किया कि हम भोले-भाले viewers या customers कह लो, हमारे एनवायरनमेंट को स्कैन कर रहे होते हैं हमेशा क्यूज, यानी कि संकेतों के लिए, जो हमारी जिंदगी में हमें सर्वाइव या थ्राइव करने में हेल्प कर सके। और जब हमें ऐसी चीजें कहीं पर दिखाई देती है, हमारा फोकस और अटेंशन टोटली वहां पर चला जाता है और हम वहां पर इमोशनली हुक हो जाते हैं। और इसीलिए एक एस्पिरेशनल इमेज क्रिएट करना किसी भी मार्केटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो हमें एक सपना, एक ड्रीम दिखाता है कि मैं भी एक दिन ऐसा बन सकता हूं और ऐसी ही कूल लाइफस्टाइल जी सकता हूं। और अगर ये एस्पिरेशनल इमेज एक इंटरेस्टिंग स्टोरी का पार्ट हो, तो बॉस, आप उस दुनिया में घुस जाओगे जो वो मार्केटर आपके लिए क्रिएट कर रहा है। आपको शायद नहीं पता होगा, बट आप एप्पल, नाइकी और ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स के दुनिया / स्टोरी का एक पार्ट हो, और इसीलिए आप इनके हार्डकोर प्रमोटर्स हो। एंड्रू के केस में ये कहना पड़ेगा, इसने नेक्स्ट लेवल स्टोरी क्रिएट कर ली है, जिसमें नॉट ओनली भरपूर ड्रामा है बट एक मिस्टिफाइंग विलन भी है, द मैट्रिक्स। दे हैव ऑलरेडी गिवन मी क्वाइट अ फ्यू वार्निंग्स। आई अंडरस्टैंड दैट यू गेट 3 स्ट्राइक्स इन दिस गेम। स्ट्राइक 1 इज दे ट्राई एंड शट यू अप एंड डिस्क्रेडिट यू, व्हिच आई हैव जस्ट बीन थ्रू। Strike 2 is they try and put you in jail for no reason, and strike 3 is they kill you. The Matrix has attacked me. जैसे हर मूवी में उतार चढ़ाव होता है, यहां पर भी आपको डेंजर, थ्रिल, बगावत, रूल्स को ब्रेक करना, एस्पिरेशनल लाइफस्टाइल, सब कुछ एक्सपीरियंस करने मिलेगा। एंड मोर ओवर, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, वो हमें इस स्टोरी में शामिल करना चाहता है, वो हमें एक कॉमन कॉज के खिलाफ लड़ने के लिए शामिल करना चाहता है, द मैट्रिक्स। अब कैसे लड़ेंगे, इसका जवाब इतना सुपर सिल्ली है कि उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वहां पर लॉजिक बेसिकली स्टोरी से टाटा बाय बाय हो जाता है और एंड्रू का बिजनेस मॉडल स्टोरी को गले लगा लेता है। बेसिकली आप मैट्रिक्स से बाहर निकलते हो कि नहीं वो तो नहीं मालूम, लेकिन एंड्रू के सेल्स फनल से बाहर उसकी जेबें भर के जरूर निकलते हो। तो चलिए जानते हैं कि क्या एंड्रू टेट वाकई में हमें मैट्रिक्स से बाहर निकाल रहा है कि अंदर ढकेल। द मैट्रिक्स इज ट्राइंग टू कंट्रोल योर माइंड, दे आर वेरी गुड एट इट। So, initially, Matrix के बारे में जानकर मैं तो भाई घबरा गया कि यार मैं कोई स्लेव वेव तो नहीं हूं, और अगर हूं तो इस जाल से बाहर कैसे निकलूं? और इसीलिए मैंने एंड्रू द्वारा बताए गए, दर्शाए गए रास्ते पर चलने का फैसला किया। नहीं पिंपिंग बिजनेस शुरू करना नहीं, बल्कि एंड्रू की मैट्रिक्स से बाहर निकलने वाली कंपनी हसलर यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने का। इसके लिए बस आपको $50 देना होता है, और महज $50 में आपको मैट्रिक्स से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। अब मैं बहुत एक्साइटेड था कि फाइनली अब मैं आजाद हो सकता हूं, और फिर इसके मेन पेज पर आने के बाद मुझे मिलते हैं ये ट्रेनिंग कोर्स, ड्रॉप शिपिंग, फ्रीलांसिंग, कॉपीराइटिंग, ट्रेडिंग करना, एटसेट्रा। अब यार मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये सब करके एग्जैक्टली मैं मैट्रिक्स से बाहर कैसे निकल पाऊं, क्योंकि मैं उसी इकोनॉमिक सिस्टम का तो ही पार्ट हूं और उसी लॉज और रूल से गवर्न होता हूं। एंड सेकेंडली, क्या ये सब करके, सब कोर्स खरीद के मैं एंड्रू टेट की जैसी लग्जूरियस ड्रीमी लाइफस्टाइल क्रिएट कर पाऊंगा? 25 करोड़ की गाड़ी चला पाऊंगा क्या? एंड्रू ने खुद अपनी गाड़ियां ऐसे खरीदी भी है क्या? और अगर रेंट पे नहीं है तो ऑफ कोर्स। एंड थर्डली, ऐसे 1000 कोर्सेज तो हर कोई सेल कर रहा है अपने अलग अलग एस्पिरेशनल इमेजेस और सक्सेस की कहानियों के साथ, तो उनमें और इसमें एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है, ये मुझे खास कुछ समझ में नहीं आया। और खास तौर पर तो इस वेबसाइट में तो एंड्रू टेट तो खुद कुछ भी नहीं सिखा रहा है, बस फ्रीलांस टीचर्स अपॉइंट कर रखे हैं। एंड्रू इज जस्ट अ मार्केटिंग पर्सन ओवर हियर, ऑल्दो अ जीनियस वन। अब गाइस थोड़ा सा इस मॉडल को समझते हैं, क्योंकि डैन बिल्जेरियन के बारे में तो हमने बात किया ही था, लेकिन क्या आपने टाई लोपेज और डैन लॉक के बारे में सुना है? वेल, इन सेल्फ रिपोर्टेड मल्टीमिलियनर्स की भी कहानी कुछ सेम ही है। टाई लोपेज के इस क्लिप को जरा देखो। Here in my garage, just bought this new Lamborghini here. बट बाद में मालूम पड़ता है सब भाड़े की थी। This one has my, this is the DMV registration, and it has my name, Maz Group or Ty Lopez. You know. What's LSC? I'm not sure. Why would they write that? Oh, because lease. That means it's a lease.
डैन लॉक के केस में इस मैंशन को डैन ने अपना बताया था अलॉन्ग विथ मेनी अदर एक्सपेंसिव पोजेशंस, और बाद में पता चलता है कि ये सब रेंट पर था, और डैन रेंट नहीं भर पाया तो बवाल मच गया। अब ये बिजनेस मॉडल्स ना एक्चुअली बहुत ही कॉमन है वेस्ट में, कि ऐसी एक रिच सी इमेज क्रिएट करो जो कई बार लोन पर या रेंट पर होती है। इस इमेज से आपके जिंदगी में लैक क्रिएट करने की कोशिश की जाती है और फिर उसे पूरा करने का प्रॉमिस करके प्रोडक्ट्स एंड कोर्सेज सेल किए जाते हैं जो किसी भी शाइनी ऑब्जेक्ट के बारे में होता है, जैसे ड्रॉप शिपिंग हो गया, अमेजोन FBA, कंसल्टेशन, नेटवर्क मार्केटिंग एटसेट्रा। जो मन चाहे वो कोर्स आप बेच सकते हो, बस सिर्फ आपको, क्योंकि आपको कोर्स तो बेचना नहीं, आपको स्किल नहीं बेचना, आपको एक सपना बेचना है, एक ड्रीम बेचना है, एक एम्बिशियस इमेज बेचना है, एक स्टोरी बेचनी है। और फिर बाद में जब इसमें वल्नरेबल लोग फंस जाते हैं, वो उस ड्रीम का शिकार बन जाते हैं, तो फिर ये लोग उन्हें कोर्सेज बेचकर पैसे इतने कमा लेते हैं कि वाकई में कुछ कुछ लोग तो ये सारे पोजेशंस खरीद भी लेते हैं। यहां पर अगर इंटरेस्टिंगली देखा जाए, जो भी इनकी लग्जूरियस लाइफस्टाइल आप देख रहे हो वो कोई और नहीं बल्कि आपके और मेरे जैसे व्यूअर्स फंड कर रहे हैं। अब इनकी मार्केटिंग स्टोरीज में आपको काफी वेरिएशन मिल जाएगा, लेकिन इनके सेल्स प्रोसेसेस बिल्कुल सिमिलर होते हैं, और एंड्रू के केस में भी यही हाल है। एंड्रू के लैंडिंग पेज पर आके आपको हर सेल्स फनल की तरह कुछ फ्री बेट्स दिए जाएंगे जो आपको कन्विंस कर देगा सब्सक्रिप्शन खरीदने के लिए। फिर यही सेम मोटिवेशनल लाइंस कि कांग्रेट्स, आप 95% लोगों से बेहतर हो एटसेट्रा, ये सब स्क्रिप्टेड फॉर्मूला होता है जो आपसे एक सर्टन आउटकम निकालने के लिए बनाया जाए। और कई बार कुछ irresponsible marketers तो 3 से 4 सालों में अच्छा खासा कमा कर गायब हो जाते हैं एक पॉइंट के बाद, जब उनकी सच्चाई लोगों के आंखों के सामने आने लगती है, बट उन 3 से 4 सालों में उनकी लाइफ टाइम अर्निंग हो जाती है। अब यहाँ पर ऑफकोर्स सभी लोग ऐसे नहीं होते, और जेन्युइन मार्केटर्स, जेन्युइन एंटरप्रेन्योर्स को आप कैसे पहचानोगे वो भी जान लेते हैं। सो जेन्युइन मार्केटर्स आपको काफी फेयरली, काफी रीजनेबली चार्ज करेंगे, क्योंकि वो आपको सपना नहीं बेच रहे, वो आपको एक स्किल बेच रहे, एक वैल्यूएबल स्किल सिखा रहे। व्हेरएज नॉन जेन्युइन मार्केटर्स आपको बड़े बड़े सपने बेचेंगे, लाइफ स्टाइल, एस्पिरेशनल इमेजेस, अपनी मोटिवेशनल स्टोरी, और जरूरत से ज्यादा हाइप क्रिएट करेंगे। एंड वंस यू आर इमोशनली ट्रैप्ड, आपसे एक प्रीमियम अमाउंट मांगेंगे जो वो कोर्स या प्रोडक्ट बिल्कुल डिजर्व नहीं करता, क्योंकि लिटरली वही सेम इन्फॉर्मेशन आपको किसी बुक या ऑनलाइन वीडियो में ही मिल जाएगा। अब हाइप क्रिएटर्स को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि दुनिया में तो पैसों की बारिश हो रही है, सिर्फ मेरे पास ही पैसे नहीं है, क्योंकि अब तक मैंने इनके प्रोडक्ट्स परचेस नहीं किए, और इनका प्रोडक्ट परचेस करने के बाद वो सारे सीक्रेट्स मेरे पास होंगे और मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। अब मैं इन्हें जज नहीं कर रहा फ्रेंड्स, बिकॉज देखा जाए तो एवरीथिंग इज फेयर इन लव, वॉर एंड मार्केटिंग, बट इस दुनिया में ओनस इज ऑन टू यू कि आप अपनी विवेक बुद्धि यानी रैशनल सोच रखें और सिचुएशंस के अलग अलग नुआंसेस यानी कि अलग अलग शेड्स को परखें और सही डिसीजन लेकर अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन दे। विच ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या एंड्रू के मार्केटिंग में जो एस्पिरेशनल इमेज क्रिएट हो रहा है, इज दैट एन ऑनेस्ट आंसर टू ट्रू हैप्पीनेस? वेल, इसके लिए आइए जरा एक और एक पर्सपेक्टिव समझ लेते हैं। सो एंड्रू से 100 times ज्यादा सक्सेसफुल और वेल्दी लोगों को जरा देख लेते हैं कि वो अपनी वेल्थ को कैसे खर्च करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल रतन टाटा जी, क्या ये भी ऐसी लाइफस्टाइल जी रहे हैं? या फिर विप्रो के फाउंडर अजीम प्रेम जी, जिनके बारे में विप्रो के CFO ने हमें SVNIT इवेंट में खुद बताया था कि वो 80 की उम्र में भी 12 घंटे काम करते हैं। वेल, जितने भी सक्सेसफुल लोग आप देखोगे, कितने ही लोग आपको दिखेंगे जो अपनी लाइफ को इस तरह डिबॉकरीज में इन्वॉल्व होकर जी रहे हैं। और मैं जिन लोगों की बात कर रहा हूँ, इन लोग की नेटवर्थ बिलियंस में, मिलियंस में भी नहीं, बिलियंस में। इतना पैसा इन लोग के पास है कि ये हर रोज सैकड़ों मिलियंस भी खर्च करे तो भी खत्म नहीं होने वाला। सो अगर ट्रू हैप्पीनेस का जवाब ओवर अबंडेंस ऑफ मटेरियल पोजेशंस या ओवर प्लेजर ऑफ ह्यूमन सेंसेस है, और यही चीज हमारी लाइफ में लैक हो रही है, सो ये सुपर सक्सेसफुल लोगों को यही करना चाहिए था ना, राइट? जो एंड्रू टेट कर रहा है, 33 गाड़ियां, 33 गर्ल्स, एवरीडे पार्टीज जैसे नहीं है कोई कल। और अब अगर मैं आपको पूछूं कि एंड्रू टेट की लाइफस्टाइल को आप फॉर एग्जांपल रतन टाटा की लाइफस्टाइल से कंपेयर करें, तो सच बताना किसके लिए दिल से ज्यादा रिस्पेक्ट निकलेगा? हाँ, 100% कूल ज्यादा एंड्रू टेट लगेगा, लेकिन रिस्पेक्ट किसके लिए ज्यादा निकले? एनी डे रतन टाटा, राइट? एंड दिस इज वेयर ट्रू हैप्पीनेस कम्स इन। ये सभी सुपर सक्सेसफुल लोग खुश हैं क्योंकि अपने हाई पर्पस के लिए काम कर रहे हैं, समाज के हित के लिए, अपने देश की तरक्की के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करके, जो इन्हें अपने बारे में इतना अच्छा फील कराता है, जो खुशी कोई और चीज इन्हें नहीं दे सकती, और इसीलिए ये कभी भी नहीं रुकते और एक कंफर्टिंग और लग्जरी से भरी जिंदगी के लिए सेटल नहीं होते। ये एक्सट्रीम लग्जरी सिर्फ एक ऐसा फेक डिजायर क्रिएट करती है जो समुद्र की पानी की तरह है, जितना ज्यादा पियोगे उतनी और प्यास लगेगी और एंड में डिप्रेस हो जाओगे मटेरियल अबंडेंस होने के बावजूद भी, क्योंकि आप अपने पर्पस से काम नहीं कर रहे, आप कुछ कंट्रीब्यूशन ऐड नहीं कर रहे, और नतीजन एज अ रिजल्ट आपका सेल्फ एस्टीम नहीं बढ़ रहा, और इसीलिए आप कभी ट्रूली हैप्पी नहीं फील कर पाओगे, इवन दो यू वुड बी सराउंडेड बाय ऑल द मटेरियल पोजेशंस ऑफ द वर्ल्ड।
अब जिन मटेरियल थिंग्स की आपको अपनी लाइफ में जरूरत होगी वो आपकी लाइफ में आनी है अगर आप अपने पर्पस पे काम करोगे, आप कंट्रीब्यूट करोगे समाज के लिए कुछ तो। बट यस, द मेन पॉइंट ओवर हियर इज कि ऐसी एम्बिशियस लाइफस्टाइल, ऐसी लग्जूरियस लाइफस्टाइल सिर्फ मार्केटिंग में काम में आती है, असल में किसी की भी जिंदगी को सुधारती नहीं है। कोई भी इंसान ऐसी लग्जूरियस लाइफस्टाइल लेके बहुत ही खुश नहीं है, एनलाइटन नहीं हो गया है और वो रिटायर नहीं हो गया बस एंजॉय करो करके। एट द एंड ऑफ द डे उसको ट्रू हैप्पीनेस जो है वो अपने काम, अपने कॉन्ट्रीब्यूशन से मिलेगी। और इसीलिए सारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन, एथलीट्स, कोई भी देख लो, ये कभी भी एक कंफर्ट से भरी लाइफस्टाइल के लिए सेटल नहीं होते। अब फाइनली गाइस, लास्ट क्वेश्चन, एंड्रू टेट के मैट्रिक्स की स्टोरी के बारे में मेरा क्या पर्सनल ओपिनियन? वेल, मुझे लगता है कि एंड्रू टेट की मैट्रिक्स की स्टोरी कोई नई स्टोरी नहीं है, ये रेड पिल और पिकअप आर्टिस्ट्री कम्युनिटी में बहुत पुरानी स्टोरी है। बट एंड्रू ने जो सेंसेशनलाइजेशन क्रिएट किया है अलोंग विद नेक्स्ट लेवल पीआर कि मैट्रिक्स के लोग उसके पीछे हैं, उसे खतरा है, ये सब बस ड्रामा है लोगों को हुक करने के लिए और अपना एस्पिरेशनल इमेज क्रिएट करने के लिए। क्योंकि वो जिस सिस्टम को गाली दे रहा है कि पैसे जब चाहे गवर्नमेंट क्रिएट कर सकती है, ये आपको मनी से कंट्रोल कर रहे हैं, बेसिकली वो कैपिटलिस्टिक सिस्टम के बारे में बात कर रहा है। और ये सिस्टम चलता है म्यूचुअल वैल्यू एक्सचेंज से, ये अभी तक का ह्यूमंस द्वारा डिवाइस सबसे एफिशिएंट सिस्टम है जो ह्यूमैनिटी की ग्रोथ और तरक्की करा रहा है। और कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट जैसे आपको पता है, अगर आप एक केपेबल इंसान हो, समाज के लिए वैल्यू जनरेट कर रहे हो, तो आपसे बड़े लोग आपके साथ पार्टनर करना चाहेंगे ताकि वो भी आपके साथ मिलकर प्रॉफिट अर्न कर सके और ना कि आपको टपकाने का प्लान बनाने लगेंगे। आई मीन, आप उनके लिए एक एसेट हो, राइट, अपने बिजनेस को स्केल करने का। So, यहाँ पर एंड्रू एग्जैक्टली किसको विलन बता रहा है वो क्लियर नहीं है और वो कभी क्लियर होगा भी नहीं, क्योंकि सिर्फ एक इमेजिनरी क्रिएटेड विलन है जस्ट टू मेक द स्टोरी मोर इंटरेस्टिंग। इसको आप एक तरह की कॉन्स्पिरेसी थियरी समझ सकते हो, जैसे आज के जमाने में इल्यूमिनाटी की स्टोरी बन गई। हाँ, मे भी अगर आप अनशन बकोगे, लोगों को डिफेम करने की कोशिश करोगे पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए, तो आपके पीछे कोई ना कोई लग जरूर जाएगा, बट उसे आप मैट्रिक्स नहीं कह सकते। कैपिटलिस्टिक सिस्टम जनरली म्यूचुअल कोऑपरेशन को बढ़ाता है और ना कि जो लोग ग्रो कर रहे हैं उनकी ग्रोथ को रोकता है। आई मीन, जस्ट लुक एट इट, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, मार्क जकरबर्ग, जेफ बेजोस, ये सब रेगुलर लोग थे, लेकिन आज इनकी नेटवर्थ कंट्रीज के जीडीपी से ज्यादा हो गई। अगर मैट्रिक्स जैसी कोई चीज होती तो ये सब कैसे नॉर्मल इंसान से इतने ग्रो कर पाए होते? अब हाँ, मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है, मगर चाइना जैसी कंट्रीज में जहाँ पर कम्युनिस्ट लॉज है और जहाँ इवन बिलियनर्स को रातों रात गायब कर लिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल जैक मा गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने के लिए। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, एक आखिरी और फाइनल टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं कि मैंने अपने वीडियो में सिस्टम्स को कोसा था तो क्या मैं मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहा था? वेल, मैं जिस सिस्टम्स की बात कर रहा था अपने इस वीडियो में, वो सिस्टम्स तो दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, आप उन सिस्टम्स में हो और उससे इंटरैक्ट करते हो। एजुकेशनल सिस्टम को ले लो, कॉर्पोरेट सिस्टम, सोसाइटल सिस्टम्स, आइडियोलॉजिकल सिस्टम्स, ये सब एग्जिस्ट करते हैं और हमेशा करेंगे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, सिस्टम्स के बिना दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, और दुनिया क्या, यूनिवर्स भी, क्योंकि हमारा पूरा ब्रह्मांड सिस्टम से ही तो चलता है। हमारा सोलर सिस्टम एक सिस्टम है, पृथ्वी में न्यूमरस सिस्टम्स है जो विंड, वाटर साइकिल, फूड चेन, ये सब कुछ रेगुलेट करते हैं। हमारा ह्यूमन बॉडी खुद एक सिस्टम है। सो व्हाट आई मेंट टू से इन दैट वीडियो, जस्ट टू गिव यू सम क्लैरिटी, इज कि सिस्टम दुश्मन नहीं है और कभी नहीं हो सकता। हाँ, कुछ सिस्टम्स गलत हो सकते हैं और कुछ सिस्टम्स उससे बेहतर हो सकते हैं जिसे हमें अपग्रेड करना चाहिए, बट सिस्टम कभी दुश्मन नहीं हो सकता, क्योंकि सिस्टम से ही हमारे अस्तित्व की बुनियाद है। और इनफैक्ट सिस्टम्स के बिना कोई चीज ज्यादा समय तक एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि सिस्टम्स ही स्टेबिलिटी को प्रिडिक्ट और गारंटी कर सकते हैं। सो यहां पर भी हमारे समाज के केस में सिस्टम्स विलन नहीं है, बट सिस्टम्स का इंसानी साइकोलॉजी पर जो परिणाम होता है वो विलन है। क्योंकि सिर्फ सिस्टम्स के अंदर तक ही अपनी सोच को सीमित रखा जाए तो इंसान भेड़चाल का शिकार बन जाता है। इस मंकीज के रिसर्च में ये प्रूव्ड है कि कैसे एक सेट सोशल स्ट्रक्चर में रहकर आप अपनी जिज्ञासा खो देते हो, जिससे आपकी क्रिएटिविटी, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग मर जाती है और आपकी खुशी भी कम हो जाती है। और ये सारी चीजें आपको सक्सेसफुल होने से भी रोकती है और आपको सफोकेटेड और अनहैप्पी रखती है। और इसे कई सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स भी प्रूव करते हैं और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है। एनीवे, होपफुली अब आपको एंड्रू टेट के मैट्रिक्स और मैंने जो वो वीडियो बनाया था उसमें मैंने जिस सिस्टम्स की बात की थी उसमें आपको एक डिफरेंस समझ में आ गया रहेगा दोनों कॉन्सेप्ट्स के बीच में। और अभी के लिए ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि हमारी सोचने की काबिलियत और विवेक बुद्धि यानी रैशनैलिटी हमें इंसान बनाती है। सो जज्बातों में आकर कोई भी चीज़ बिलीव मत करो, तर्क के जरिए चीज़ों को बेहतर समझो और सिस्टम्स को अपनी जिज्ञासा और दिमाग के पोटेंशियल को नष्ट करने मत दो। सिस्टम्स के बाहर भी एक्सप्लोर करो, सवाल पूछो, नॉलेज गेन करो और इस दुनिया का एक मैक्रोस्कोपिक पर्सपेक्टिव गेन करो जो आपको लाइफ में 100% सक्सेसफुल बनाएगा। विद दैट सेड, एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।
और आप फ्रेंड्स जाने से पहले हाई पेइंग आईटी फील्ड में अपना करियर बनाने के लिए कोडिंग इन्वेडर्स ऐप पर रजिस्टर करना मत भूलना। यूज कूपन कोड GET27 एंड GET27% डिस्काउंट इन डेटा एनालिटिक्स कोर्स। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।